दोस्तों आप देख रहे हैं टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शमीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत सहित नगरी के भीम नगर में। यहां पे लोगों से जानेंगे कि 2022 में किसे वोट देंगे और योगी आदित्यनाथ की स्कीमों जो चली थी उनका क्या क्या लाभ मिला इन्हें पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ की कोई दो चार खूबी है, दो चार कोई स्कीमें बताइए। क्या जमीनों का पैसा मिला, 2000 रुपए किस्त आ रही है, और क्या मिलेगा? सब कुछ गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई सरकार में। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि हमारे टाइम में गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडागर्दी क्यों? भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी थी। कब बताओ पहले? सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, भाजपा सरकार में नहीं है। भाजपा करवाएं बिल्कुल नहीं। लेकिन भाजपा सरकार में जो है इस समय पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, डीजल महंगा है, महंगाई आसमान छू रही, तो उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ ना कुछ चीज देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ ना कुछ चीज तो महंगी होगी, कहीं ना कहीं तो औसत निकालना पड़ेगा सरकार को, या अपने घर से देगी सरकार, ये बताओ। आपका क्या नाम है? सुजीत सिंह। सुजीत जी, आप ये बताइए, यही के सहित नगरी के रहने वाले हैं, तो 2022 में किसके सर पर ताज रखेंगे, किसे वोट देना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार जी, कहाँ से आप? सहित नगरी से। तो 2022 में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आपके जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? हमारे विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंती ने जो स्कीमें हैं थी भाजपा की, क्या आप तक मिली, पहुंचाई? बिल्कुल मिली, बिल्कुल मिली। तो कुछ ऐसी सभी को पहुंची हैं। तीन स्कीमें बताइए, क्या मिली आपको? जैसे कि हमारे राशन है, राशन फ्री बट रहा है, राशन फ्री बट रहा, पहले नहीं बटता था, ठीक है, एक बार मिलता था। और जी तुम्हारे की आवास योजना थी, आवास योजना का प्रिंट नहीं हमारे गाँव में, और शौचालय फिट्टे करना चाहिए किसानों को, बहुत फायदा, ठीक है, वो प्रॉब्लम थी थोड़ी सी सॉल्व हो चुकी है, आगे नहीं हो। अगर भाजपा सरकार आती है तो फिर और कुछ नई स्कीम लाएगी या यही रहेगी? बिल्कुल फ्यूचर बन, लेकिन लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार फ्यूचर बना देगी, आपकी बात बनाएगी फ्यूचर। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार। अरे वो बड़बोले हैं। गुरमीत सिंह। गुरमीत जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही सहित नगरी के। तो 2022 में किसके सर पर ताज रखेंगे? योगी जी के। योगी जी की तीन खूबियां बताइए कुछ। योगी जी, पहली बात, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी बात, ये सभी को एक समान रूप में जानते हैं, यानी ये कौन गरीब है कौन अमीर है, न जाति के रूप में न धर्म के रूप में, और सभी का काम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई बिचौलिया पैसा खा लेगा, तुम्हारे डायरेक्ट काम होगा, आपके अकाउंट में आएंगे 2000 रुपये आए या 1000 रुपये आएंगे। लेकिन सपा वाले रूप में जानते हैं, यानी ये कौन गरीब है कौन अमीर है, न जाति के रूप में न धर्म के रूप में, और सभी का काम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई बिचौलिया पैसा खा लेगा, तुम्हारे डायरेक्ट काम होगा, आपके अकाउंट में आएंगे 2000 रुपये आए या 1000 रुपये आएंगे। लेकिन सपा वाले तो कहते हैं कि जुमलेबाज सरकार है। नहीं नहीं, सरकार वो खुद थे, वो खुद थे, खुद जुमलेबाज थे। अब क्लियर है, अगर सरकार 2 रुपए देगी तो आप किसी के खाते में प्लॉट था तो वहाँ पर कब्जा कर लेते थे वो। अच्छा, और किसी का बेनामा नहीं था, उसकी संपत्ति हड़प लेते थे। अभी आपको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सब गुंडों पे बिल्डोजर चल गई है, जेल सी चल गई है, जो इन्होंने हराम खाया उन पर। तो आपने देखा साथियों,